हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय मिनी ब्लॉग 3। आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ मसाले चने, जिसमें मैंने प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, जीरे का तड़का दिया है सरसों के तेल में, और दो छोटे छोटे आलू भी डाले हैं। आलू से भी टेस्टी हो जाता है ये। और चने हैं दो कटोरी भीगे हुए चने, मैंने कच्चे चने का इस्तेमाल किया है। जनरली लोग बॉयल्ड चने इस्तेमाल करते हैं, बट मैं वो नहीं करती क्योंकि उसका पानी फिर निकालना पड़ता है। और अभी मैं इसमें हल्दी, नमक, मसाला डालूंगी और फिर मेरे मसाले चने रेडी जाएंगे। इसको रोटी, पूड़ी, पराठा या ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। तो ये रहे मेरे ब्रेकफास्ट की तैयारी। साथ ही मैंने पूजा के लिए फ्लावर्स और तुलसी जी की पत्तियों को भी तोड़ लिया है, तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैं पूजा भी करूँगी। अभी मैंने डाल दिया है हल्दी और नमक, साथ में मैं आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल दिया। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें टमाटर, टमाटर मैं भूल गई थी। और चने के पकने के बाद जब मैं प्रेशर कुकर खोलूंगी और सर्व करने के पहले मैं डालूंगी ये धनिया पत्ती। इसे मैंने धुलकर और छोटे छोटे टुकड़े में काट दूंगी, फिर मैं इसे धनिया पत्ती डालकर फिर सर्व करूंगी चने को। टमाटर भी कट करके डाल दिया मैंने, और लास्ट में मैं डालूंगी छिलके वाले भीगे मूंग, जो ओवरनाइट मैंने सोक कर दिया था पानी में चने के साथ ही, तो इससे ये और हेल्दी हो जाएगा हमारा ब्रेकफास्ट। और मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, फिर प्रेशर लगा दूंगी। ये रहे यमी चने, रेडी हो गए खाने के लिए। बाय आयुष, बाय 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 ना। कैसा फील हो रहा है? बेटी की कोचिंग में टेस्ट है जिसे पहुंचाने के लिए हस्बैंड जा रहे हैं। उन्होंने अर्ली लंच कर दिया और मैं और मेरी बेटी उन्हें छोड़कर घर में वापस आ रहे हैं बातें करते हुए। शाम की आरती भी हमने कर लिया है, और आरती के बाद हम दूध और चाय की तैयारी में लग गए। तो मैं पापा जी और बच्चों को दूध दे रही हूँ। प्लेन दूध पापा जी लेते हैं और बॉर्नविटा वाला बच्चों का। और ये हमारी चाय है जिसमें मैंने अपने लिए एक पार्ले जी बिस्किट रखा है। बच्चों ने बिस्किट पहले ले लिया दूध के साथ, और मम्मी जी पापा जी का बिस्किट उनके टेबल पे अपनी चाय उनके चेयर के सामने ही रखा रहता है। तो मैंने सिर्फ एक पार्ले जी बिस्किट खुद के लिए लिया। चाय उठा लो। मैं अपनी चाय लेकर बाहर आ गई हूँ। शाम को बाहर बैठना गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, और मैं बाहर लॉन की हवा भी खाना चाहती थी। थोड़ा सा वॉक भी करूँगी, फिर अंदर आके डिनर की तैयारी करूँगी। तो ऐसी रही मेरी रूटीन। कैसा लगा आपको मेरा मिनी व्लॉग ज़रूर बताइएगा। और चाय लेकर मैं थोड़ी सी वॉक की, उसके बाद मैं झूले पर बैठ की, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे झूले पर बैठकर। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, फिर मैं अंदर चली गई और मैंने डिनर की प्रिपरेशन में लग गई।